हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टेक। फ्रेंड, हम आज के वीडियो में जानेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के जो भी बीएड के स्टूडेंट हैं, आप सभी छात्रों के एग्जाम रिजल्ट को जारी कर दिया। जो भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप सभी छात्र जो कि अपना रिजल्ट को चेक कर ले। जैसे फ्रेंड आप डिस्प्ले देख सकते हैं, प्रोविजनल मार्कशीट बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो भी रिजल्ट दिया गया 2022। तो फ्रेंड आपको जो कि हम रिजल्ट को स्लाइड करते हैं वो नीचे देख करके दिखा देते हैं। जिसमें फ्रेंड आप देख सकते हैं सब्जेक्ट नेम, पेपर कोड वगैरह, पेपर नेम होगा, टोटल नंबर वगैरह सब कुछ शो कर रहा है। और फ्रेंड आप देख सकते हैं रिजल्ट डिक्लेयर जो कि 2 मई की डेट में ही आप सभी छात्रों के रिजल्ट को जारी किया गया। तो फ्रेंड आप सभी छात्र वीडियो में लास्ट तक जरूर बने। आज की वीडियो हम यही जानेंगे आप सभी छात्र अपने मोबाइल फोन से रिजल्ट को कैसे चेक कर सकते, क्योंकि फ्रेंड जो कि रिजल्ट चेक करने के लिए जो कि एक ट्रिक है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी सेकेंड सेमेस्टर का ही लिंक को एक्टिवेट किया, लेकिन उस लिंक को जैसे ही आप सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट का चेक करेंगे उसको कॉपी करके फिर पेस्ट करके वहां पर जो कि 2 से 3 वर्ड लिखने होंगे उस लिंक को कॉपी करने के बाद, फिर थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आपका ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड आप सभी छात्र वीडियो में लास्ट तक जरूर बने, क्योंकि अगर थोड़ा भी स्किप कर देंगे तो अपना आप सभी छात्र अपना रिजल्ट को नहीं चेक कर पाएंगे। तो फ्रेंड अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि फ्रेंड ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप सभी छात्रों को सबसे पहले मेरे चैनल से मिलती रहेगी। तो फ्रेंड आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से जो भी बीएड थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट चेक करने के लिए जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, आप सभी छात्र लिंक पे टैप करके आप देख सकते हैं रिजल्ट आपका जो भी शो हो रहा है। तो फ्रेंड आप सभी छात्र जो कि यहाँ पे रिजल्ट इंटर रोल नंबर वाले ऑप्शन पे जो भी आपका रिजल्ट रोल नंबर होगा उसको फिलअप करना, उसके बाद कैप्चर कोड को फिलअप करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड हम रोल नंबर व कैप्चर कोड को फिलअप कर चुके हैं। फिलअप करने के बाद फ्रेंड आपको सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड हम जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय बीएड का जो भी रिजल्ट जारी किया गया है, तो फ्रेंड यहाँ पे सेमेस्टर 3 का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। तो फ्रेंड आपको सेमेस्टर 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं सेमेस्टर 2 वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड आप जैसे ही सेमेस्टर 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो फ्रेंड आपका जो भी रिजल्ट जारी किया गया है जिसमें फ्रेंड आप देख सकते बीएड सेकेंड सेमेस्टर 2021-22, तो फ्रेंड आपको सेम स्टेप फॉलो करके यहां तक आपको ऐसे ही रिजल्ट चेक करना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कॉर्नर में जो कि यहां पे शेयर का ऑप्शन दे रहा है, तो फ्रेंड आपको शेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद दिया गया कॉपी लिंक वाले ऑप्शन पे आपको कॉपी कर लेना, क्योंकि फ्रेंड आपको सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट को ऑप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको रिजल्ट चेक करने के बाद रिजल्ट के जो भी पेज ओपन होगा उसको रिजल्ट को आपको कॉपी लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको वहां जो भी लिंक कॉपी करेंगे उसको कहीं पेस्ट करना होगा, पेस्ट करके वहां पे 2 से 3 वर्ड लिखना है, उसके बाद ही आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। नहीं व्हाट्सएप या तो मैसेज टेक्स्ट बॉक्स में चले जाना है। उसके बाद जो भी आपने रिजल्ट जो भी लिंक को कॉपी किया है तो फ्रेंड यहाँ पे आपको मैसेज वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो फ्रेंड आप जैसे ही पेस्ट कर देंगे उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिया है, जैसे फ्रेंड देख सकते हैं bbsp.org.in रिजल्ट। तो फ्रेंड आपको देख सकते हैं बीएड सेकेंड के जगह फ्रेंड आपको यहाँ पे थर्ड लिखना है। थर्ड लिखने बाद फ्रेंड उस दो दिया गया यहाँ पे सेमेस्टर 21-22, तो यहाँ पे आपको 22-23 करना है। तो फ्रेंड आपको मेन जो कि आप रिजल्ट सेकेंड सेमेस्टर का चेक करेंगे उसको उसके लिंक को कॉपी करेंगे, उसके बाद मैसेज बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं जहाँ पे आप सेकेंड सेमेस्टर लिखा गया सेकेंड लिखा गया वहाँ पे थर्ड करना और यहाँ पे 21-22 के जगह 22-23 करना। तो फ्रेंड इसको भी हम करके शो कर देते हैं। फ्रेंड हम तो कि लिंक को कॉपी करने के बाद यहाँ पे एडिट भी कर चुके हैं। जो फ्रेंड यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर यहाँ पे पहले फर्स्ट सेमेस्टर था, यहाँ पे आपको थर्ड सेमेस्टर करना और जो कि सेमेस्टर के बाद जो यहाँ पे 21-22 पहले था, तो फ्रेंड आपको 22-23 करना होगा। तो फ्रेंड आप जैसे इसको कर लेंगे लिंक को कॉपी किए उसको पेस्ट करके आप कहीं मैसेज बॉक्स में भेज सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपको इस लिंक को जो कि ओपन करना है, तो फ्रेंड हम इस लिंक को ओपन कर देते हैं। तो फ्रेंड हम जैसे इस लिंक को ओपन करेंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट 2022-23 आपका ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर आप सभी छात्र अपना रिजल्ट नहीं चेक कर पा रहे हैं तो फ्रेंड आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जो भी मैसेज कर देंगे आप सभी छात्रों को हम थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट चेक करके शो कर देंगे, जो कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी शिबली कॉलेज न्यूज करके है। और फ्रेंड अगर उसके बाद भी आप सर्च करने के बाद नहीं आ रहा तो फ्रेंड आप जो कमेंट कर दीजिएगा हम इंस्टाग्राम आईडी दे देंगे आप सभी छात्र, वहां पर बस रोल नंबर भेज देंगे तो हम रिजल्ट जो कि थर्ड सेमेस्टर का चेक करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे। जैसे फ्रेंड आप रिजल्ट में देख सकते हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट 2022-23, इसमें फ्रेंड आप देख स्टूडेंट नेम, कॉलेज नेम वगैरह सब कुछ शो हो जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं 90 में 53 नंबर, 90 में 75 नंबर, प्रेटकल में 10 में 7 नंबर, और जो कि यहाँ पे इनका प्रेटकल जो कि 200 नंबर का होता है, कॉलेज के द्वारा जो कि नंबर अपलोड नहीं किया, इसकी वजह से यहाँ पे इनकम्प्लीट रिजल्ट दिया गया है। जिसमें फ्रेंड आप देख सकते हैं रिजल्ट डिक्लेयर में जो कि 2 मई की डेट में इनका रिजल्ट जारी किया गया। तो फ्रेंड आप सेम स्टेप फॉलो करके बीएड थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट को आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आप सभी छात्रों को यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड जोन में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो सभी छात्रों को सबसे पहले मेरे चैनल से मिलती रहेगी। तो फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।